सावधान, धूम्रपान से होती है भयंकर बीमारियां। धूम्रपान कर सकता है आपकी पूरी जिंदगी तबाह। जी हाँ, तंबाकू या धूम्रपान अगर आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है तो हम आपको बता रहे हैं ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। तनाव से मुक्त होने या अपने शौक के लिए आप जिस तंबाकू और धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं वो दे सकता है आपको ताउम्र का तनाव। आइए जानते हैं कैसे। तंबाकू व सिगरेट में मौजूद कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ आपकी कोशिकाओं के विकास को रोककर उन्हें खत्म कर देता है और पैदा करता है कैंसर। तंबाकू या धूम्रपान किसी भी मात्रा में आपकी बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। ये न केवल आपके फेफड़ों को पूरी तरह से खराब करता है बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से में कैंसर पैदा करने की ताकत रखता है। जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, मेरुदंड व गुर्दे का कैंसर, पाचक ग्रंथि का कैंसर, महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों में कैंसर पैदा करता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में पूरे विश्व मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह विश्व दिवस घोषित किया गया है, जिसे सभी नेताओं का, सभी लॉ एनफोर्सर्स का, सारी पब्लिक का ध्यान इस तरफ जा सके कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि विश्व में करीब करीब 60 लाख लोग हर साल इसी तंबाकू के कारण से मर रहे हैं। अपने भारत में भी करीब 8 लाख लोगों की हर साल मृत्यु तंबाकू के सेवन से ही होती है, जिससे पूर्णतः बचा जा सकता है। विश्व में तंबाकू मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। भारत में बात करें तो मुंह का कैंसर इसे विशेष रूप से होता है, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अपने यहाँ हो रहा है। इसके अलावा हार्ट डिजीज भी इसके कारण बहुत ज़्यादा होती है। सही मायने में तो नख से लेकर शिख तक पूरे शरीर के करीब के हर अंग पे ही तंबाकू का नुकसान होता है। ये पाँव में गैंग्रीन हो जाता है, रक्त की धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, उस कारण से कई बार हमें पाँव काटना भी पड़ जाता है। उसके अलावा करीब 13 प्रकार के कैंसर जो हैं केवल तंबाकू के सेवन कारण से होते हैं। गर्भवती माताओं में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और उस बच्चे पे ऐसा पड़ता है, गर्भ में पल रहे बच्चे पे, जैसे कि माता खुद सेवन कर रही है और बच्चा भी तंबाकू का सेवन कर रहा हो। ये बच्चा समय से पहले पैदा होता है, कटे होंठ, कटे तालू ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनके अंदर, स्क्विंट ज़्यादा होता है उनमें, और इन्हें सांस की तकलीफ ज़्यादा रहती है बच्चों में, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है उनके अंदर। इसलिए हम सब कोशिश करते हैं कि लोगों को इससे होने वाले नुकसान से आगाह किया जा सके, क्योंकि तंबाकू में निकोटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि हैबिट फॉर्मिंग होता है खास, और इसमें कहा जाता है कि ICD-10 जो है, इंटरनेशनल कोड ऑफ डिजीज 10 के अंतर्गत निकोटिन डिपेंडेंस एक डिजीज मान लिया गया है, बीमारी मान लिया गया है। अतः इसको जो इसके लिए जो है निकोटिन च्युइंगम वगैरह भी मार्केट में आ गई हैं, जिससे छोड़ने में मदद मिलती है। परंतु तंबाकू जिनको लत लग जाती है उनके लिए यह कहा जाता है कि 85% लोग जो हैं तंबाकू जो है अपनी इच्छा शक्ति से छोड़ पाते हैं, जिसको हम लोग कोल्ड टर्की मेथड से बोलते हैं, और बाकी बचे 15% लोगों के लिए जो है बाकी चीज़ें रहती हैं जिनमें कि च्युइंगम वगैरह आती हैं। यह स्टडी आई है कि निकोटिन जो होता है वो मुँह में से 9 सेकेंड में ब्रेन तक पहुँच जाता है, और लोगों को तलब जो लगती है, कई बार लोगों को सुबह उठते से तलब लगती है, कई बार मोशन के लिए लगती है, कई बार लोगों को खाना खाने में तलब लगती है तंबाकू खाने की, तो ये तलब करीब करीब 3-5 से 7 मिनट रहती है और दिन में 5 से 7 बार होती है। अर्थात जो छोड़ना चाहता है उसको अपने आप को 24 घंटे में से आधे घंटा अपना ध्यान रखना है वो छोड़ सकता है। वो कई बड़े भाग्यशाली होते हैं, एक बार में छोड़ देते हैं। कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा अटैम्प्ट लगते हैं, पर अमूमन 5 से 7 अटैम्प्ट भी लोगों को लग चुके हैं, परंतु उसको इच्छा शक्ति से छोड़ सकते हैं वो। धूम्रपान आपकी आंखों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इससे मोतियाबिंद की संभावना सबसे अधिक होती है। ये आपकी कंजक्टिवा के सेल्स को क्षतिग्रस्त कर आंखों के गीलेपन व नमी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे धुंधला दिखाई देना और आंखों में किरकिरी होने की समस्याएं पैदा होती हैं। धूम्रपान आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और उच्च रक्तचाप की कगार पर पहुंचा सकता है। धूम्रपान के धुएं में मौजूद निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पदार्थ हृदय ग्रंथियों और धमनियों से संबंधित रोगों का मुख्य कारण है। धूम्रपान आपके मस्तिष्क को सीधे तौर पर प्रभावित कर उसे निष्क्रिय कर देता है,
जिससे आपकी सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो सकती हैं। धूम्रपान कर सकता है आपकी पूरी जिंदगी तबाह।